अभी प्रेजेंट ही मार्क नहीं करनी है आपको, सो वेट। ठीक है, सो कहाँ पे थे हम लोग, टीएस। ओके, सो टीएस इज नथिंग बट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, डोंट मार्क यूर प्रेजेंट ही असावरी, इट इज नॉट नीडेड नाउ, वेट। डोंट मार्क ओम नामदेव, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम अभी पहले डिस्कस कर रहे सी, अभी क्या हुआ है ना, ये मैंने एक्चुअली, आप लोग लाइव है क्या नहीं यहाँ पर, या फिर सुन रहे क्या नहीं, वो देखने के लिए मैंने आपको फिर से वही चालू है। निखिल अभी कुछ भी नहीं करना है, सुनो पहले, एम आई ऑडिएबल? तो यस डोंट मार्क यूर प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स। नाउ ऑनवर्ड्स वॉट वी विल डू, वॉट आई हैव ऑब्जर्व, मेनी ऑफ यू आर मार्किंग यूर सेल्फ प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स एंड लिविंग दी गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म इज दी वन जो हम लोग आखिर में कंसिडर करने वाला है, नॉट द चैट बॉक्स। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट मार्किंग यूर सेल्फ प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, कोई भी चैट बॉक्स में अभी प्रेजेंट ही मार्क नहीं करेगा, गूगल फॉर्म में मार्क करेगा। ओके, एम आई क्लियर? यस सर, यस सर, वॉइस नहीं है, एम आई ऑडियबल ना? यस सर, यस सर, आपको आवाज आ रही है? पल्लवी आप एक बार देख लो आपके यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इश्यू है नहीं। ठीक है, सर मला पण नाही येत होता ओके, सो काय केलंस तू? सर मी परत जॉईन केलं मग। ओके, व्हेरी गुड, सो दॅट इज द सोल्यूशन। कुछ अगर इश्यू है, कॉमन अगर इश्यू है सब लोगों को, तो मेरे साइड से कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर इंडिविजुअल है यू कैन रीजॉइन द मीटिंग अगेन। ठीक है, हाँ चलो। सो दैट इज व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लास्ट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज रेडिएशंस। ठीक है, सो रेडिएशंस, अब सब लोग अभी हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं रेडिएशंस। इट इज एन द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एन मॉलिक्यूल्स और विदाउट द हेल्प ऑफ एन मीडियम। जहां पर भी हमें मीडियम की या फिर मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, देन द हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज एन इंडिपेंडेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ इट? माइक्रोवेव। ओके, बट माइक्रोवेव में तो भी एयर है ना, वहां पर वैक्यूम नहीं है, वहां पर एयर है, वहां पर यस। कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन? यूवी रेज। यूवी रेज, यू आर नियर टू द आंसर। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, यस, सामने देख के आपको समझ में आ जाएगा, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज माइक्रोवेव, बट देयर वी हैव एयर एज एन मीडियम, इजंट इट? वहां पर एयर है ना या नहीं है? Yes, sir. अरे है या नहीं है? हाँ, yes, sir. According to the definition, we don't need a medium. So, do you have any example where there is no medium, but still we are having the radiational effect? So, can you give me any such example? Sunlight. Microwaves. Parat, microwaves. Microwaves. Sunlight. Yes, sunlight is the best example. You know that sunlight कहाँ पर है? सुबह सुबह खिड़की खोलने के बाद सामने है, बराबर है? But you are aware what is the distance between Earth and Sun? हम दोनों के बीच में रेडियो वेव्स। Sorry? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, okay. But now we are talking about the light waves. ठीक है, सन और अर्थ इन दोनों के बीच में क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, एंड देर आर सम स्पेसेस वेर वी कांट कॉमेंट दैट कि वहां पर एयर है या नहीं है, वी कांट कॉमेंट कि वहां पर वैक्यूम है या नहीं है। कई कई कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर वैक्यूम है, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर एयर है। ठीक है, सो बट स्टिल वी आर हैविंग इट्स रेज, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन रेडिएशन।
सो सन से हम लोग जो भी एनर्जी ले रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है, सो रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, एवरी बॉडी हैज टेंडेंसी टू रेडिएट सम एनर्जी. हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉडी हो, whether it is an wood, whether it is an metal, non-metal, live thing, dead thing, ठीक है, हर बॉडी एक अपनी एक वेव या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते रहती है. ठीक है, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज हीटिंग ऑफ एन सब्सटेंस इन अ माइक्रोवेव इन विच हीटिंग ऑफ एन सब्सटेंस इज डन विदाउट एनी हीटिंग मीडियम. वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, ओवर देयर वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन रेडिएशन. नाउ if we need to discuss the law associated with it, Stefan Boltzmann law is nothing but the law which is associated with the radiation. It states that the total energy radiated per unit surface area of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Okay, so EB is directly proportional to the T raised to 4, where and it is for area A, unit area, isn't it? So EB is directly proportional to A into T raised to 4, where if we replace the constant of proportionality, then we have this sigma. Okay, and EB is nothing but the emissive power or the heat flux. Okay, and A is nothing but the radiating area, which is in the meter square. T is the absolute temperature of that particular body, okay, which can be in the degree Celsius or in degree Kelvin. Then sigma is nothing but the Stefan Boltzmann's constant, and whose value is fixed, that is nothing but the 5.67 into 10 raised to minus 8. Okay, so this is what is Stefan Boltzmann law. Now here we have finished the different laws which are associated with the heat transfer. Now what sorts of questions will be asked in the MCQs? So ek sure shot question rahega ki aapko koi bhi problem diya jayega, us problem mein se aapko type of heat transfer ya fir medium of heat transfer identify karna hai, whether it is because of the conduction, whether it is because of the convection, or whether it is because of the radiation, that you have to identify. Then you have to choose the appropriate formula, then you have to put the values of it, and then you will have to get the answer. One way of asking. Second way of asking, कोई भी एक आपको डायग्राम दी जाएगी, उसमें कौन सा हीट ट्रांसफर है, मीडियम कौन सा है, या फिर वे कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा है, वो आपको पूछा जाएगा. ठीक है, so these are the ways by which different MCQs can be created or different MCQs can be asked. Okay, so is there any doubt? If you have any doubt, you can ask. If no doubt is there, you can mark your presentee in the Google form, not in the chat box, and you can leave the meeting. So what are the numericals? Sorry? Yes. Yes, go for your doubt. Sir? Yes? Sorry, a law in your language mein yaad lati do chalenda tha, sir. See, now definitions, aapko, matlab, you are not going to write any paper, isn't it? Or yeah, fir, you are not going to type anything. So, aapko samajh ke lena hai, that is what is important. Okay, sir. Anything else? If you don't have any doubt, you can leave the meeting. Thank you. You don't need to mark yourself present in the chat box. Chat box madhe present mark karne chi avashyakta nahi. We are stopping that activity. Sir? Yes. अभी जो आपने फॉर्मूले बताया सर, उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं? जी.
न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उसके ऊपर, यही सौरभ आपका क्वेश्चन यही है ना, न्यूमेरिकल्स आएंगे या नहीं? हाँ सर जी, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपको, या फिर वी विल डिस्कस आइदर थ्रू जूम मीटिंग और विद दी वीडियोस। ओके ओके सर, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव द मीटिंग।